Welcome to Time News Studios. You are watching 1 p.m. Bulletin. पीटीआई अगवान जहांगीर तरीन संदस पुत्र अली तरीन खिलाफ फ्रॉड जो केस दाखिल। एफआईए लाहौर की टीम 3 अरब 14 करोड़ जे फ्रॉड जो केस दाखिल कयो। एफआईए जो चवण है जहांगीर तरीन पल्प कंपनी में मुबैना तौर अरबे रुपया मुंतकिल कया। कंपनी के अहदेदार खिलाफ भी कार्रवाई थी। जहांगीर तरीन एफआईए जा इल्ज़ाम बेबुनियाद करार दींदे है त खानगी ऑडिट फर्म मुझे कंपनीज के अकाउंट्स के क्लियर करार दे चुकूँ। कंपनीज में समूरा शेयर्स कानूनी तौर मुंतकिल कया। सुप्रीम कोर्ट सारे मुल्क में एक जड़ो तालीमी निसाब लागू करण बाबत तालीम बारे वफाकी वजारत की रिपोर्ट रद्द कर छी। चीफ जस्टिस रिमार्क्स ना तो तालीम बारी वजारत की रिपोर्ट तसली बख्श ना है। मामले के ड्रेग डिनी पी वे। सिंध के वे वजीर मुराद अली शाह कोरोना बाबत एनसीओसी जड़ो के इजलास में शिरकत का माजरत कर छी। कोरोना की टी लहर के टोड़न लाए बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद करण की तजवीज। वे वजीर मुराद अली शाह जो चवण है बिन हफ्तन लाए बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद करण सा कोरोना जो जोर टुटी सके तो। सिंध लाए वैक्सीन खरीद करण जो मंसूबो पाइपलाइन में है। सिंगल डोज वाली वैक्सीन से भी विचार पे वे पैरों ऐसण पव तो सिंगल डोज वाली वैक्सीन केतरी असराइती है। मुख्य टेलीफोन जरिए बुधा वो तो अज एनसीओसी जो इजलास है। हाँ आऊँ इजलास में शिरकत न थो करे सका। मुखे कोरोना थी चुको है पर एंटीबॉडीज मौजूद आहिन ते हुंदे भी खौफ थे थो। दुनिया जे बहरान मां निकली चुकी है। असा उन बहरान में वनी रहा हूं। स्मार्ट लॉकडाउन कुछ भी ना है। लॉकडाउन थींदो आहे या पोए कुछ भी ना हुंदो। वरो वजीर मुराद अली शाह नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस से बुधनी दौरान इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत आदो पेश। वे वजीर तो जै मनसूबे से बिजली की पैदावार में इजाफो थो खबर ना है तो उन मनसूबे में छो तलब किया है। मनसूबे से कराची में 2 कलाक लोड शेडिंग घट थी। नैब के नोटिस का मनसूबे में शामिल बैंकों वारा डिडी व्या। बुधनी दौरान नैब तरफा गैर हाजिर जवाबदार खिलाफ गिरफ्तारी वारंट्स जारी करण की इस्तदा। अदालत गैर हाजिर जवाबदारन के बीहर नोटिस जारी कर बुधनी 19 अप्रैल तई मुलतवी कर छी। अदालत बाहर मीडिया से गलहाइंदे वे वजीर मुराद अली शाह चयो त केस ही गलत है त इस्तीफा छो दियां। पीटीआई जे जिन मानन इस्तीफा दिनी उनन को गलत कम कयो हुं। सिंध हाई कोर्ट वफाकी हुकूमत के हफ्ते अंदर कोरोना वैक्सीन की कीमत मुकरर करण जो हुक्म दई छो। दरख्वास्त गुजार मौके पर इख्तियार कयो त वफाकी हुकूमत परदेह में वैक्सीन घुराण की इजाज़त दिनी पर हाने कीमत मुकरर न पई करे। ड्राफ्ट के वकील जो चवण हो तो वफाकी काबीना वैक्सीन की कीमत मुकरर करण की मंजूरी ना दिनी। जस्टिस अमजद अली सहतो रिमार्क्स ना तो जैं शख्स परदेह में वैक्सीन घुराई है वो विक्रो भी जरूर कंदो। हुकूमत वैक्सीन की कीमत मुकरर करे। केपीके जे इलाके करक में मिसमार थियल समाधि जी अदावत वारो कम 6 महीनन में मुकम्मल करण जो हुकुम। सुप्रीम कोर्ट हिंदू बिरादरी के अदावती कम में मदाखलत खां रोके छड़ो। करक मंदिर ते हमले बाबत पाण मुरादे नोटिस से बुधनी दौरान चीफ जस्टिस रिमार्क्स दींदे चयो त समाधि जी अदावत जो ठीको अड़े मानू के दिनों वो जैं वट कम शुरू करण लाए भी पैसा नाहन। छा इन कम में भी पैसो ठाणो है। सब परेशान आहिन त इन कम में पैसो कियं खाइणो आहे। बेशर्मी जी इंतहा थींदी आहे। केपीके जूं लागापल इख्तियारियूं इन मामले ते चुप करे वेठियूं आहिन। खैबर पख्तूनख्वा जे चीफ सेक्रेटरी के जल्द कम शुरू करण जी हिदायत। चूंडियल नुमाइंदन मथां कुत्तन जे ॾाहण जी जिम्मेवारी नाहे त पोए उहे इलाइकनि में भी न वञनि।
हाँ कें भी मानू के कुत्ते डाढ़ो तो नुकसान भरण हुकूमत की जिम्मेवारी होंगी। सिंध हाई कोर्ट सखर जो कुत्तन के डाण वाले केस के बुधनी दौरान हुक्म अदालत पैंजे हुक्म में चयो त हाने को भी मानू कुत्ते डाण सबब मरी वयो त उनजे सिर जी कीमत अदा करनी पवंदी। कें जी अख जाया थी त को मानू जख्मी थियो त उनजो भी नुकसान सिंध सरकार के भरणो पवंदो। अदालत कुत्तन के डाण वारन वाक्यन बाबत हुकूमती रिपोर्ट्स रद्द करे छड्यो। बुधनी दौरान फारूक एच नायक दलील ईंदे चयो त कुत्तन के डाण वारा वाक्या रोकण MNA या MPA की जिम्मेवारी ना है, यो कम लोकल गवर्नमेंट जो है। अदालत बल्दियात खाते की सेक्रेटरी के जिम्मेवारी खण बाबत लिखित में बयान जारी करण जो हुक्म नहीं छोड़ो। कुत्तन के डाण वारन वाक्यन ते MPA की मौतली जो फैसलो डींदड़ सिंध हाई कोर्ट के जज के धमकियों मिलण जो इंकशाफ। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में कुत्तन के डाण वारे केस ते बुधनी दौरान जस्टिस आफ्ताब अहमद गोरड़ जो चवण हो तो हुकूमती वजीर असा के धमकियों नहीं दबाव विझण घुरन था। एक वजीर चए तो असा जज के रॉकेट लॉन्चर हणंदी, मां रोजानो लाड़कानों का गुजरन आया, मुख्य रॉकेट लॉन्चर हणो, असा सिंध हुकूमत के मातहत ना हूं, पघार बंद करण जो धमकियों न डिन वन वे तो कुत्ता मारण दो है तो मानुन के डारण से सवाब मिलो है। कुछ फैसला जमीनी हकीकतों के ऐसी क्या वा सिंध में कुत्तन के डाण जा वाक्या घटजी न सघ्या। कोटड़ी में छितन कुत्तन 25 जणन के डाढ़े जख्मी कर छोड़ो। CMO बोलहाड़ी आबिद खोसो खिलाफ 6 केस दाखिल। मोरो में CMO 9 UC सेक्रेटरीज से मुख्तलिफ थाणन से 11 केस दाखिल किया पाया। UC सेक्रेटरीज जो मौकिफ़ है तो असा वट जहर ना है, नई वरी कुत्ता मारण के लिए अमलो है, कुत्तन के किए मुंह दियं। शुगर सट्टेबाज माफिया खिलाफ क्रैकडाउन जारी। कराची में ब्रोकर्स गिरफ्तार। FIA मौजिब सिविल लाइन्स जोड़िया बाजार में छापा हणी मोहम्मद जलील मोहम्मद बिलाल के गिरफ्तार करे केस दाखिल किया गया। FIA तर्जुमान जो चवण है तो जवाबदार पी पुटरा हैं जेके खंड ते सट्टेबाजी में मुलविस हैं। खैरपुर की फैजगंज पुलिस 5 शागिर्दन समेत 6 जणन के वैन जरिए चीभाटे मारण वाले केस में नामजद 3 जवाबदारन के गिरफ्तार करण में नाकाम। फौतिन के घर में बदस्तूर कोहराम मथल। कोट लालू थाने ते जवाबदार गुलाम मुर्तजा कबर अल्ताफ नामंद खिलाफ कत्ल केस दाखिल। वारसन जो चवण है तो पुलिस केस में नामजद जवाबदारन के गिरफ्तार करण बदरा तमाशाई बढ़ल है। बासर धुरियों मामलों लय मिटी करण लाए दबाव विझी रही हैं। दादू के शहर मेहड़ भरसा नारी जो घर में सड़ल हालत में लाश हथ। वारसन वाक्य के आपघात करार दई छो। गोठ लौंग महेसर में 25 साल की नारी परी महेसर मुबैना तौर पान मथा पेट्रोल हारे बाहे दई छी। पुलिस लाश तहवील में वही कार्रवाई करण बिना वापस मोटी वही। वाक्य जा कारण भी मालूम न थी सकया। कराची में टिकटॉकर मुस्कान शेख समेत 4 जणन के कत्ल केस में अहम अग भराई। जांच ऑफिसर अदालत में उबूरी चालान जमा कराए छो। अदालत रूपोश मुख जवाबदार अब्दुल रहमान जा जमानत न थियण जोगा वारंट जारी कर छड़ा। पुलिस का 29 अप्रैल तीन हतमी चालान तलब। लाड़कानो भरसा नौजवान पीरसन पी सा कावड़ जी जहर पी छो। नाजुक हालत में अस्पताल मुंतकिल। गोठ पलियो मक्सी में जमीर मक्सी जीतमार दवा पी पी इंतहाई कदम खयो। नौजवान 5 बारन जो पी आ है। मिठी जी अदालत छाछरो वासी 6 दर्जे जे शागिर्द सा मुबैना बदफेली केस में बिन जवाबदारन जी जमानत रद्द करे छड़ी। जवाबदार वजीर मंजूर रिंद पुलिस की मौजूदगी में अदालत में फरार। नींगर के वारसन जो एहतजाज।